के द परफेक्ट वुमेन ब्रांड ने परफेक्ट मिस एंड मिस्टर टीन इंडिया 2018 प्रेजेंट किया है। प्रोजेक्ट मिस एंड मिस्टर टीन 2018 इसके ऑर्गेनाइजर गुरु भाई ठक्कर और डॉक्टर कोशी गुरु भाई है। उगते हुए नन्हे सितारे जो मॉडलिंग के इंस्पायर है और कुछ कर दिखाना चाहते हैं, ऐसे ही टीन्स को अपना अनुभव दिखाने का मौका परफेक्ट मिस एंड मिस्टर टीन्स 2018 ने दिया है। Responsibly and sensibly, है ना? Let's use it to communicate good things and not get totally into it. So anyway, here goes the song. खुद से मिले हुए अरसा हुआ पता भी ना चला ये कैसे हुआ हम क्या से क्या है बन गए बिना सांस का कैद से मुझे आजाद करो आजाद करो आजाद करो। स्टार्ट तो इस तरीके से हुआ कि माय फादर वाज अ बिजनेसमैन और आई वाज नॉट इंटरेस्टेड बिजनेस वगैरह में अपना इंटरेस्ट नहीं था उसमें। आई मोर इंटरेस्टेड इन टू ग्लैमर फिल्म इंडस्ट्री ये वो। तो उस बहाने से हमने सोचा चलो इवेंट स्टार्ट कर देते हैं और इवेंट्स अब तक चल रहे आज हमको कम से कम 7 साल हो गए इवेंट्स में। हाँ, परफेक्ट वुमन हमारी मैगज़ीन है जिसके एडिटर हमारी मैडम है डॉक्टर खुशी करके और मैं छोटा मोटा MD हूँ उसमें। ग्रैंड फिनाले इज परफेक्ट मिस एंड मिस्टर टीन्स इंडिया का ग्रैंड फिनाले 30th May 2018 को सेंट एंड्रयूज ऑडिटोरियम में। तो वह मैगज़ीन जो हमारी मैडम है बहुत अच्छा लिखती है, डॉक्टर भी है, तो उन्होंने सोचा खुद की मैगज़ीन लॉन्च की जाए। तो हमने बोला ठीक है करिए, तो परफेक्ट वुमन मैगज़ीन उस तरीके से लॉन्च हुई। ये इवेंट हमारा हो रहा है 30 तारीख को, 30th May 2018। हाय, मैं स्वीटी वालिया, आप लोग की प्यारी पम्मी आंटी फ्रॉम ये मोहब्बतें। एंड वो हमारी रजनीकांत से बबल्स बुआ जो बहुत दारू पीती थी, वो पानी पीती थी एक्चुअली, दारू नहीं थी। एंड और मैंने बहुत सारे टीवी शोज किए और अभी मैं एक फिल्म प्रोड्यूस कर रही हूँ फिर की, जिसके मेन कैरेक्टर्स हैं अनिल नितिन मुकेश, करण सिंह ग्रोवर, जैकी श्रॉफ एंड के मेनन। ये पहला प्रोडक्शन है लंदन में, अभी हमने शूट किया है, सितंबर तक रिलीज करेंगे। तो आप लोग को अभी से बोल रही हूँ कि आप लोग को फिर की देखने ज़रूर आना है। एंड बाकी आज मैं यहाँ पे आई हूँ, यू नो परफेक्ट वुमन मैगजीन का ये पैजेंट है टीनेजर्स के लिए। एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू नो खुशी ने ऐसा कुछ शुरू किया है जहाँ पे बच्चों को ना ही सिर्फ कॉन्फिडेंस आएगा बट बच्चे अपनी बात भी रख सकते हैं और हमें भी पता चल सकता है कि बच्चों के जहन में क्या है। अच्छा है तो हम उसको और अच्छा बना सकते हैं, जहाँ हमें लगेगा कि बच्चे कहीं भटक रहे हैं तो हम डेफिनेटली उनको हेल्प करेंगे। और एक किस्म की हमारी ये स्क्वाड बन जाएगी, टीनेज स्क्वाड, और डेफिनेटली मैं इस स्क्वाड के पीछे पड़ने वाली हूँ, इनको बोलने वाली हूँ कि कुछ करते रहो तुम, यू नो सोशल कॉज के लिए। दैट इज माय ओनली एम, दैट इज व्हाई आई एम हियर, दैट आई वांट द किड्स टू कीप वर्किंग फॉर अ सोशल कॉज। हमारी जो जिंदगी है, हमारा जीवन है, ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इसका अर्थ रहना चाहिए। दैट्स इट। हे गाइस, आई एम स्वीटी वालिया एंड यू वॉचिंग मेट्रो मुंबई, कीप वॉचिंग, बाय। Yes, good evening. My name is Jayesh Khade. I'm advisor for World Trade Center, Navi Mumbai, and director of Indo Global Chamber of Commerce and Industry. Today, I really appreciate that Perfect Woman is doing fantastic work. They are organizing Perfect Miss and Mr. Teen India. I really appreciate this program to conducting the map and such type of the program. We should do that and we should appreciate for that. Definitely, I will be there. On 30th, yes, on 30th, and from my World Trade Center and Mumbai and Indo Global Chamber of Commerce and Industries, always appreciate and support this program. Yeah. Thank you. Yeah, they are the partners, so we would like to thank and we would appreciate them to encourage the youth and they are suggesting, they are helping the youth in many ways. We really thank Mr. Jayesh Khadeji for helping us in this
for the social cause. Yes, thank you. Thank you very much. I am Pramila Srimangalam. I am an author, psychotherapist and life coach. And I would be handling the psychological profiling of the contestants. We are going to take approaches with the mind, because that's the most essential understanding for displaying confidence, personality in a very positive way. So we are going to take the approaches connected to neuro-linguistic programming, which is a very advanced level of psychology programming, and also something which is known as metaphor, because we dig on to the images that is in the imprints of the mind of the participants, and accordingly bring out a very positive result out of it. So I'm excited about this journey. Thank you. People, you are watching Metro Mumbai. Yes.